नूरपुर के खुशीनगर में स्थित प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के होटल में नूरपुर जिला राजस्व अधिकारी एवं कराधान के अंतर्गत नूरपुर डमटाल जसूर फतेहपुर ज्वाली व इंदौरा तथा कंदरौली के व्यापारियों और होटल रेस्टोरेंट व स्मॉल स्केल औद्योगिक व्यापारियों सीए अकाउंट्स को जीएसटी के बारे में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि सीए एस के पोरवाल थे। कार्यशाला की अध्यक्षता आलोक सिंह एमबीए सलाहकार ने की। इस मौके पर पोरवाल ने उपस्थित व्यापारियों को बताया कि यह कार्यक्रम हिमाचल सरकार के निर्देश पर प्रदेश आवाकारी विभाग के सौजन्य से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जो समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान इस कार्यशाला में उन्हें जागरूक करके किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जीएसटी संबंधित जानकारी तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर रखकर व्यापारियों को जागरूक करना है। इस मौके पर आवाकारी विभाग के अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी गई ताकि इन्हें भी जीएसटी के बारे में पता चल सके और व्यापारियों को भी जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से विभाग की राजस्व आमदनी बढ़ेगी, इसलिए सभी व्यापारियों को आज के दौर में जीएसटी का पंजीकरण करवाना होगा। जीएसटी से संबंधित व्यापारियों व महालेखाकार को इस कार्यशाला में निमंत्रित किया गया है, जहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई है। जीएसटी लागू होने में जीएसटी रिटर्न व जीएसटी के कानून व नियमों और पोर्टल की जो समस्याएं व्यापारियों को आ रही हैं, उसका समाधान इस कार्यशाला में जागरूकता के रूप में किया गया। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट ईवाई और एचपी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ में एक बीड़ा उठाया है कि एक जितने भी ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के हैं उनको जीएसटी के बारे में ट्रेनिंग देना है और पूरे राज्य में हर जिले में अलग अलग जगह जाकर हम जीएसटी की ऐसी कार्यशालाएं कर रहे हैं जिसमें जो जीएसटी से संबंधित व्यापारी वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और जीएसटी लागू होने के बाद से जो समस्याएं उनकी आ रही हैं, जो रिटर्न्स भरने से रिलेटेड हैं या जीएसटी के लाख से समझने से रिलेटेड हैं या कोई पोर्टल्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी समस्याओं का हम उनके साथ में शेयर कर रहे हैं और उनका जो सुझाव हमारे पास, जो समाधान हमारे पास अवेलेबल है, वो हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। थैंक यू।